खबर बैतूल से, एम्बुलेंस में लाई जा रही है सब्जियां। एम्बुलेंस का मालवाहक वाहन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को दी गई है एम्बुलेंस। दरअसल रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से दी गई है एम्बुलेंस, किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए ये एम्बुलेंस दी गई है। लेकिन दृश्य देखने में क्या आते हैं कि जब जरूरत होती है एम्बुलेंस की तो लोग ठेलों में ऑटो पर ले जाने को मजबूर होते हैं अपने परिजनों को, मरीजों को। और दूसरी तरफ एम्बुलेंस का इस्तेमाल यहां पर सब्जी लाने के लिए किया जा रहा है। एम्बुलेंस एक मालवाहक वाहन की तरह इस्तेमाल हो रहा है बैतूल में। रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा जो एक एम्बुलेंस रोगी कल्याण समिति को बैतूल के लिए दी गई है वो मरीजों की सुविधा के दृष्टिगत दी गई है, ताकि कभी कोई गंभीर परिस्थिति हो, कहीं बाढ़ आए, कहीं भूस्खलन हो या कोई कहीं आगजनी हो, ऐसी स्थिति में रेस्क्यू करने के लिए वो एम्बुलेंस रोगी कल्याण समिति को रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा दी गई है। एक्चुअल में हमारे पास रोगी कल्याण समिति और रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा दो एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें से एक गाड़ी का उपयोग होता है ऑन कॉल डॉक्टर्स को लाने ले जाने के लिए, और दूसरी गाड़ी रेडक्रॉस की जो हमारे पास खड़ी हुई है, तो उस गाड़ी का उपयोग हम लोग करते हैं अपने लोकल आवश्यकता के आधार पर। इसके अतिरिक्त हम लोग के पास 3 एम्बुलेंस बड़ी टाटा विंगर है, जिनका उपयोग हम लोग स्थानीय कार्यक्रम में जो VIP ड्यूटी रहती है, CF ड्यूटी रहती है या अदर जो भी VIP ड्यूटी, उस पर उन गाड़ियों का उपयोग करते हैं।